जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस जीके विविध सामान्य विज्ञान की सीरीज में एक और सीरीज प्रश्न बैंक लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये ऐसा प्रश्न बैंक है जहां सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, कॉपी कलम लेकर आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो रेस के घोड़े होते हैं वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब एक रेस के घोड़े हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करते हैं और इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। पहले सवाल, बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि तो हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे और अब उसके साथ साथ जहां जरूरत पड़ेगी हम प्रश्नों की व्याख्या भी करते चलेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कि यथासंभव जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आप सभी साथी इसको भी लिखते चलेगा, ताकि हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट भी उपलब्ध कराते चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है कि जो बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। यहां पर है श्वेत हंस को, हाथी को, सिंह को, सांड को। तो अगर हम बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म के प्रतीक की बात करें, तो जितने भी साथी हैं फटाफट बताएं, ये आपके परीक्षा वाले सवाल है जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिंह को माना जाता है। इसलिए अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सिंह दिया है, इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जी हाँ, जैन धर्म और बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा में आपके सवाल आपके सामने दिख रहा है वो ये है, कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। तो एक बात तो परीक्षा में सीधा सीधा आपके एक नंबर में पूछ सकता है सवाल कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जी हाँ, अगर यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के तीर्थंकर, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पे देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास है देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए। तीर्थंकर की बात की जाए तो कुल 24 है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, पहला कौन है और 24वां कौन है। ये दो सवाल ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। ये सरकारी शिक्षक बनाने वाली वीडियो आप सभी के लिए है और ये जीएस सामान्य अध्ययन की सीरीज है जहाँ पे विविध है, साथ ही साथ आपको सामान्य अध्ययन मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका कि असली संस्थापक कौन माना जाता है। देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। काफी लोगों ने गलत जवाब दिया है। अगर हम प्रथम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे पार्श्वनाथ जो थे वो पहले थे। अगर हम महावीर की बात करें तो प्रथम, सॉरी, यहाँ पे जो थे वो आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वो थे ऋषभ देव। और वर्धमान महावीर की बात की जाए, महावीर स्वामी की बात की जाए, तो 24वें थे। महावीर जो थे वो कौन से थे? वे 24वें थे। ऋषभ देव किस क्रम में आते हैं? वो आते हैं पहले में। लेकिन यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो वर्धमान महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का व्यापक प्रचार किया, प्रसार किया और उसे शिखर तक पहुंचाया। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा, यह प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आएगा तो दो सर प्रश्न आएगा कि ऋषभदेव पहले थे, जो तीर्थंकर ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थंकर थे, जबकि अगर हम 24वें की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। यहां दो प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो यहां पर आपका उत्तर जो होगा वो आपका डी होगा। आपका क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा, ये पहले थे। ठीक है, सभी लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट रख लिया और रख लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ?
जी हाँ, काफी यूनिक सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूंगा आप सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, कोशिश करिएगा वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाने का। तो फटाफट बताइए कमेंट करके, मंदिर निर्माण में, निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें मंदिर निर्माण कला में, तो विमान शैली का जो प्रचलन था वो मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राजकुश वंश। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में है या आपके सिलेबस में है। हमने पहले ही कहा था, हम आपके सिलेबस पर ही फोकस करते हैं। यार शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चोल वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है चोल वंश। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली है, इसका प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। अगर तंजौर का जो शिव मंदिर है, भारत में मंदिरों में बना सबसे बड़ा, सबसे लंबा मंदिर है, और वह द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है। तंजौर का जो शिव मंदिर है, भारत के मंदिरों में बना सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा कह सकते हैं। यह विमान द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है। ध्यान दीजिएगा, विमान शैली हो गया, इसी में द्रविड़ शैली भी आती है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, द्रविड़ शैली। कौन सी मंदिर है? तंजौर का शिव मंदिर, तंजौर का शिव मंदिर, तंजौर का जो शिव मंदिर है वह इसका एग्जाम्पल है। अगला है आपके सामने सवाल, प्रश्न नंबर 4 के रूप में, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी साथी इसका जवाब आसानी से दे लेंगे, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार कहने से नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, प्रतिदिन आप समय से लाइव आएंगे, तो यकीनन आपको एक सीट जरूर मिलेगी। ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपने एकदम सही जवाब दिया है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी। एकदम सही जवाब आप लोग का 4 का, अकबर। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, ए वालों के उत्तर राइट है। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप सभी के साथ मिलकर। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। अल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अमहद शाह अब्दाली। अब प्राय प्रश्न आता है कि सर हमारे परीक्षा के सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा, नहीं प्राचीन इतिहास सवाल आएगा कि नहीं। देखिए, प्रश्नों के सिर पर नहीं होते, आपको सिलेक्शन लेना है। तो कभी कभी होता है कि आपको चीजें आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलती है, कभी कभी लगता है यार ये सवाल हम पढ़ें कि ना पढ़ें। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये आपका साथ ये टारगेट है कि हमें हर तरह के प्रश्न को पढ़ना है, जहां से परीक्षा में आने के सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो याद रहे, दास वंश की बात करें तो यहाँ पे गुलाम वंश आपके मन में आ जाता है। अच्छा, ये गुलाम वंश की बात कर रहे हैं क्या? अगर गुलाम वंश की बात आती है तो यह 1206 से जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था। अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह अल्तुतमिश। अल्तुतमिश ये गुलाम वंश का वास्तविक शासक तरह से माना जाता है। एक बात और, दूसरी बात यहां पर आप सभी से मेरा सवाल है कि सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई थी, तो इसका जवाब अल्तुतमिश होगा। अल्तुतमिश की बात करें तो यह 1210 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठा रहा, और अल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका यह दामाद था। दूसरी बात, ऐसा सवाल एक और पूछा जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कैसे उसकी मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी, यह भी पूछा था। इनके बाद रजिया सुल्तान, पहली भारतीय महिला जो भारत के राजवंश में बैठती हैं, और रजिया सुल्तान, इनके बाद ही उनका जिक्र होता है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। और एक YouTube चैनल आपके लिए और बना है, आपकी परीक्षा के लिए ही बनाया गया है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अब आपकी जो बाकी क्लासेज हैं इसके अलावा, जो विषय वाला क्लासेज हैं इसके अलावा जो सिलेबस में है, वो आपको उस चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, तो कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा और उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जल्दी उस पर भी आपको सारी वीडियो लेक्चर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने मिलान करने वाला, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे मिलान में भी शामिल हो और मिलान करके बताएं। देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये इनकी बात की जाए तो ये नियंत्रित दास वरासन की है। मलिक काफूर, ये कहा जाता है कि जो मलिक काफूर था, ये एक क्या था शब्द तो नहीं कहना चाहिए, तो आप लोग बताइए। मलिक काफूर ये हजरत दिनारी था, ये सेनापति था। किसका सेनापति था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यहां से भी सवाल आते हैं, बाजार नियंत्रण हो, सैनिकों को नगद वेतन प्रथा हो, डाक व्यवस्था हो और घोड़ों दागने की प्रथा हो, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम हमारे जेहन में अपने आप आ जाता है। तो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हाँ, हजरत दिनारी हो गए और जलालुद्दीन कहा जाता है, ये जलालुद्दीन खिलजी, हाँ ये दास वंश ने उजाड़ फेंका था, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पे एक मिनट की, मैं फिर से मिलान कर रहा हूँ, और सॉरी हाँ एक मिनट रुकिएगा। ये जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, ये सूफी संत थे, ठीक है, रुक जाइए, ये सूफी संत थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन नियंत्रित दास व राशन के लिए हो जाएगा। मलिक काफूर ये आपका हजरत दिनारी, इसे हजरत दिनारी भी कहते हैं, इसे हजरत दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब आपके बचे जलालुद्दीन, तीनों ने दास वंश को उजाड़ फेंका था। बस ये है आपका मिलान, यहाँ पे आपका मिलान है। मुझे नहीं लगता इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, तो यहाँ मुझे लगता है विकल्प आपका कोई मैच नहीं कर रहा है। पहले का पांचवा होगा, दूसरे मलिक काफूर मंगोल मुखिया नहीं था, सी का एक सही है, डी का चार नहीं है, ठीक, हजरत दिनारी। चलिए यहाँ पे देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे पहले का अगर यहाँ पे हम पांच कर दें तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले का अगर हम पांच कर देते हैं तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। अगला आपके सामने एक छोटा सवाल है, कह रहा है कि 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए सभी लोग फटाफट, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये अपना ही चैनल है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल गया होगा, तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी सभी लोग को। चलते हैं और आगे। देखिए 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चितरंजन दास। कौन थे चितरंजन दास, कैसे ये जानते हैं। दिसंबर 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन को, चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष जो बने थे वो चितरंजन दास थे। और जो सचिव कौन बना, इसके सचिव की बात की जाए कि सचिव कौन बने, तो सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के सचिव बनते हैं और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है कि इसने स्थापना की थी, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ये काफी यूनिक प्रश्न है, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आता है, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लॉर्ड कर्जन के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन
गलत है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि लॉर्ड कर्जन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। उसने विश्वविद्यालय में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि की, जी हाँ वृद्धि किया। उसने प्राचीन भवनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जी हाँ। उसने शासन को अत्यधिक विकेंद्रीकृत किया, नहीं। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य बंगाल विभाजन किया, ये भी सही है। माने यहाँ पे तीन विकल्प आपके सही हैं, एक गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमें परीक्षा में पूछा निम्नलिखित में असत्य कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन के शासन को अत्यधिक विकेंद्रीकरण नहीं किया, उसकी जो नीति के अनुसार अब सभी रियासत जो थे वह अंग्रेजी सरकार पर निर्भर थी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग समझती थी उसे, इसलिए उसने शासन को अधिक विकेंद्रीकरण नहीं किया। इस प्रश्न का जो गलत है वो सी और जो गलत है वही सही है, इसका मतलब आठ का सी विकल्प आपका सही है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये सब परीक्षा में सवाल सीधे पूछे जाएंगे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहां थी? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए टीपू सुल्तान के समय जो राजधानी थी बंगलोर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, भाईनगर। देखिए टीपू सुल्तान शासनकाल में जो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी, क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी, क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद इनके पिता का नाम अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो टीपू सुल्तान थे वो शासक बना और 1787 में बादशाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। 1787 में ये बादशाह की उपाधि धारण करते हैं कौन? टीपू सुल्तान। कब? 1787 में, और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तंजौर पेंटिंग निम्न में से किस सुंदर संयोजक के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। चित्रकारी पेंट रत्न स्वर्ण के लिए, स्वर्ण चित्रकारी रेशम, चित्रकारी रेशम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, चित्रकारी कास्ट एवं रेशम। तो जो तंजौर की पेंटिंग थी चित्रकारों कास्ट एवं रेशम के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो डी होगा। ये एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न होता है, सीधा सीधा इसका उत्तर होता है, सीधा सीधा इसका जवाब होता है। तो आप सभी साथी इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, तमिल रामायण कृति है किसकी? अंदाल की, जयंगोंदार की, कब्बन की, रामानुजम की। ये ऐसा यूनिक सीरीज है आपके सामने जहां से आपके सामने सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा। आप लोगों ने लाइक तक नहीं किया, बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे जितने लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं वो कल जरूर से आने वाले समय में सरकारी नौकरी करें, ताकि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का भी। तो यहां पर हमारे सामने तमिल रामायण कृति है कब्बन की, तो यहां भी सवाल आपके लिए प्रसिद्ध है। इसको बहुत ही मतलब यूनिक सवाल है, बार बार पूछा जाता है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है काकती वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे? देखिए आप लोगों ने जवाब सभी लोगों दिया। यहां पे एक चीज जानना चाहिए कि जो पल्लव शासकों का जो शासन काल एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पल्लव वंश। ये दक्षिण भारत के वंश है, और यह अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा लेनीपित दुर्गेश के तो आपको वहां से मिल गए होंगे, इसलिए आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। लेनीपित दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, हमारी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलेंगी देशित में राष्ट्रित में। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि पल्लव शासक की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, यहां पे पूछा जाता है कौन, तो वह है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। लिखना चाहे लिख लीजिएगा
नरसिंह, क्योंकि ये भी सवाल पूछ लेगा सीधा सीधा, कहां जवाब देंगे, वर्मन प्रथम ने क्या बनाया था, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया था। महाबली जो पूरम में मंडप एक अश्वमेध मंदिर का निर्माण किया तथा पल्लव नरेश सिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महाबलीपुरम में शूर मंदिर का निर्माण किया गया। महाबलीपुरम में मंडप एवं एकाश मंदिर का निर्माण किया। इसमें भी कौन कौन सी है लिखना चाहे लिख लीजिएगा सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एक होगा आपका मंडप, ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या था इसमें, एकश मंदिर दिख रहा है कि नहीं, एकश मंदिर। और दूसरा अगर हम बात करें महाबलीपुरम में, अगर इसके अलावा अगर हम कोई बात करें तो क्या आता है, पल्लव नरेश की सिंह वर्मन द्वितीय, यहां पर आएगा फिर सिंह वर्मन द्वितीय, सिंह वर्मन जो द्वितीय थे इन्होंने क्या बनाया, शोर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर बनवाया। शोर मंदिर महाबलीपुरम में क्या बनाते हैं, शोर मंदिर बनाते हैं। तो यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हमने ये प्रयास किया कि आपको ये दोनों चीजें बता दें जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कल को अगर आपको सरकारी नौकरी करनी हो, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो आपसे गलती ना हो, ये मेरा पहला उद्देश्य होना चाहिए और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है कि डच शब्द कहां से संबंधित है, नीदरलैंड, बुल्गारिया, बेल्जियम, स्वीडन, सभी लोग फटाफट बताइए। तो जो डच शब्द है यह नीदरलैंड से संबंधित है, कहां से, यह नीदरलैंड से संबंधित है। अगला है आपके सामने, वर्साय की संधि ने समाप्त किया था क्या, जो वर्साय की संधि है किसने समाप्त किया था, सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि वर्साय की संधि ने समाप्त किया था प्रथम विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को, रूस जापान युद्ध को, फ्रांसीसी क्रांति को। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वर्षाई की संधि ने समाप्त किया था क्या, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए जवाब जरूर दीजिएगा, ये मानिया परीक्षा हाल में। देखिए सभी प्रैक्टिस सेट आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं लिया है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध होगा सभी प्रैक्टिस सेट, सभी क्लास। यहां पर आपके सामने है डच शब्द संबंधित है नीदरलैंड से, वर्षाई की जो संधि हुई थी यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति है। तो वर्षाई की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, यह संधि जर्मनी के साथ हुई, किसके साथ होती है, जर्मनी के साथ होती है, ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। जर्मनी के लिए अपमानजनक भी था क्योंकि संधि के परिणाम स्वरूप 20 वर्षों तक, मतलब 20 वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व हिटलर ने इस संधि के नियम तोड़कर किया। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग के साथ मिलकर पढ़कर आप लोग भी अपने साथी मित्रों को भी बता दीजिए, डेली क्लास का टाइम बता दीजिए ताकि सब लोग समय से आकर जुड़कर पढ़ सके। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस एशियाई देश में रामायण अपने नित्य स्वरूप में प्रचलित है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सही जवाब है। अगला, अरावली पहाड़ियां किस राज्य से होकर गुजरती हैं, जो अरावली की पहाड़ियां हैं किस राज्य से होकर गुजरती हैं, अरावली अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये पहाड़ियां राजस्थान से लेकर गुजरात तक जाती हैं, कहां से, राजस्थान से लेकर गुजरात तक। तो यहां पर आपके सामने सवाल का जवाब मिल गया, ये राजस्थान से देखा जाए, राजस्थान से सॉरी राजस्थान से गुजरती हैं, राजस्थान से लेकर, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, माने गुजरात के पूर्वी छोर तक फैली है। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट आबू का गुरु शिखर है, क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी की बात करें, गुरु शिखर,
माउंट आबू। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर। अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग जिक्र मिलता है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर। माउंट आबू के पास दिलवाड़ा का जैन धर्म मंदिर है। तो ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक फैला है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं हमारे साथ, इलनी पे दुर्गेश पर चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर के, गंगा के, स्वर्णरेखा, मूसी? जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट कर जवाब दें। देखिए, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। यह भारत के निजी क्षेत्र का अकेला कारखाना है। अगला सवाल आप सभी के सामने दिख रहा होगा, शायद जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रा को खोला गया था? नाथुला, खारदुगला, चुंबी, सोलंग? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एक मिनट रुकिएगा, एक मैसेज दे दे आपको। लेकिन अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए, तो इसके लिए नाथुला दर्रा था। कौन सा दर्रा था? नाथुला दर्रा था। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? भारत और सिक्किम के बीच में था। कहाँ पे? भारत और सिक्किम के बीच में। देखिए, सबसे पहले आप जानते रहिएगा कि जो नाथुला दर्रा है यह है कहाँ पर? यह है सिक्किम में। ये जब 1962 का भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। फिर इसे 2006 में इसे चालू किया गया। लगभग 40 साल तक ये बंद था। और सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहां पर है? डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। अगर हम चुंबी की बात करें तो दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत तक जाने का मार्ग इसी से होता है, नाथुले दर्रा से। भारत और चीन के व्यापार के लिए इसी दर्रा को खोला गया। यह काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। सिक्किम में भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो जिसका नाम है, आप सभी को पता होगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है, लेकिन भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, 8598 मीटर। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो जन्म संग्रह करके भारतीय संविधान के 35वें 36वें संविधान संशोधन करके उसे भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया था। इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा, यहां से परीक्षा आपके लिए जरूर पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? देखिए, आज की सीरीज में हम लोग जीएस जीके विविध सामान्य विज्ञान इन सभी को पढ़ रहे हैं, जहां जीएसटी किया जाता है, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, एक और दो, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कॉफी उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। ये समुद्र
तल से अगर बात करें तो 500 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाई जाती है। इसकी खेती जो ढाल वाले जगह होते हैं, जहां पर सुपरवाइज ढाल होती है, वहां पे की जाती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उत्तम होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम कॉफी की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में अगर विश्व की बात की जाए, अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में ब्राजील है। लेकिन भारत में क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर उत्पादित होता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी होता है। क्योंकि यह परीक्षा सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर इस पढ़ने में थोड़ा सा हिला वाला की, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम वही प्रश्न लेकर आ रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रहे, जब समुद्र से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो लवणता घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? इसको अगर हम कुछ इस तरह से समझें, जैसे अगर आपके सामने इसको हम कुछ इस तरह से समझें, यहां पे ये दोनों ध्रुव है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अगर हम दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा? सभी साथी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए, जहां पर बर्फ जमी होती है वो मीठा पानी होता है। क्या होता है? मीठा पानी होता है, पीने योग्य होता है, वही आपका बर्फ का रूप ले पाता है। तो सीधी सी बात है, जब वहां पे बर्फ होगा तो जब बर्फ पिघलेगी तो मीठा पानी होगा, ठीक है, जो पीने योग्य जिसे कहते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा, घटती है। क्या होगा? घटती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह होगा, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता भी क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला सवाल, डोल ड्रम क्या होता है? ये डोल ड्रम क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रट लीजिएगा। एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। आइए इसके बारे में छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को अपने सभी कम से कम 10 साथी मित्रों को शेयर करिएगा। देखिए, इसका संबंध हवा से है। ये देखिए 0 डिग्री हो गया, इसके उत्तर में 5 डिग्री, इसके दक्षिण में 5 डिग्री। यहां पे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये एक भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी पेटी के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरणें कभी न कभी किसी दशा में इस क्षेत्र पर सीधी चमकती हैं। जब इस क्षेत्र पर सीधी चमकती हैं तो इसका धरातल क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब इसका सरफेस धरातल गर्म हो जाएगा तो उसके संपर्क में जो हवा आएगी गर्म होगी। गर्म होने के बाद हवा कहां उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। कहां उठेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो हल्की होकर जाएगी, वहां पर लो प्रेशर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, जिसे हम निम्न दाब कहते हैं। और निम्न दाब बनने के कारण, यहां पे लो प्रेशर बनने के कारण हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम शांत पेटी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे डोल ड्रम कहते हैं, इसी को हम शांत पेटी भी कहते हैं। इसे कहते हैं शांत पेटी। तो ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाया जाता है, माने कहीं कहीं 10 डिग्री, कहीं कहीं आपको 5 डिग्री मिलता है। तो डोल्ड्रम निम्न दाब की एक मेखला है, निम्न लो प्रेशर की पेटी है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिण स्थान पर मिलता है। ठीक है, याद रहे यह स्थिति अस्थायी नहीं होती, कभी 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण हो जाती है। धरातल में जो हवाओं की गति कम होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है शांत रहता है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। यहां पर यह भी सही है, लेकिन ये एथेंटिक डाटा नहीं है, क्योंकि 5-5 अक्षांश होता है। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको 10 अक्षांश भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे सही जो विकल्प है वह यहाँ पर होगा, लो प्रेशर निम्न दाब की पेटी है। मतलब यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है आपका वह विकल्प आपका ए है। वह विकल्प क्या है आपका? ए है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा ए होगा। यहां से प्रश्न आपके भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, यह सभी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यह सब सवाल आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएंगे और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। कहीं कहीं अन्य किताबों में देता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें,
सीईआरटी की बात करें तो वहां पे 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण मिलाकर आपको 10 डिग्री मिलता है, और ये 10 कुछ सस्ते किताबों में आपको मार्केट की किताब में मिल जाता है। ये भी सही है, अगर निम्न दाब मेखला न दिया गया होता तब हम आपका विकल्प सी सही करते। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के सवाल की तरफ। ठीक है, आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं सही से। लेकिन अगला सवाल है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान में किसे द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए आइए हम बात करते हैं। देखिए अगर भारतीय संघ की बात करें, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, भारतीय संघ की जो आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दिया गया है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका हिंदी। मैं इसके सारे तथ्यों के बारे में बात करूंगा। संविधान का अनुच्छेद 343, यहां पे मैं अनुच्छेद का भी जिक्र कर दूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 343 में यह उपबंध करता है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, जो भाषा होगी, ध्यान दीजिएगा, भाषा जो होगी इसकी हिंदी होगी और जो लिपि होगी देवनागरी होगी। तो लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये कहां लिखा गया है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में इसको बंद किया गया है। अनुच्छेद 343 में यह भी कहा गया है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रसार और प्रसार किया जाए। माने प्रचार प्रसार की बात कहां कहा गया है? अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की बात कहा गया है। यह भी याद रखिएगा, यह भी रट लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अगर यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आए तो गलती हो जाएगी, तब यह मत कहिएगा कि सर आपने यह चीज नहीं बताया था, दुर्गेश सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाया था। यह पढ़ लीजिएगा, यह निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, एक बार वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी मित्र आपको या वीडियो आपके साथ मिलकर देख रहे हैं, आप ही कहीं देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा आपका। और इस वीडियो को एक से अधिक बार देखिएगा, हर बार कंटेंट आपको नया मिलता जाएगा। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अभी तक हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्या है? राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है, ये एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जरा इस पर आप लोग गौर करिएगा। धर्म विरोधी नागरिकों का क्या करता है? समर्थन करता है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बताइए, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब यह किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। यह प्रत्येक धर्म के साथ समान लगाव भारतीय संविधान को है। राजभाषा भैया, राजभाषा। राष्ट्र नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच में कितने दिन का अंतराल होना चाहिए? सभी साथी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए वैसे इस प्रश्न का देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देता है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दें। देखिए संसद की किसी भी सदन की अंतिम बैठक उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता, लेकिन 1 साल में 3 बैठक होती है, इसलिए 12/3
बराबर 4 मार्क। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 6 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं हो सकता एक बैठक के दूसरी बैठक के बाद। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला आपके सामने है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। देखिए, मैं यहां पर आपका स्पष्ट रूप से जवाब दे दूं प्रश्न का कि प्रकृति प्रदत्त जितने भी निःशुल्क उपहार होते हैं वे सभी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार, जैसे मुर्गी पालन हो गया, अंडा पालन हो गया, मछली पालन हो गया, आपने गेहूं, चना, मटर, जौ, मक्का, सोना चांदी आपने निकाल लिया, माने जो भगवान, जिसे कहते हैं भगवान ने दिया, जिन चीजों को आप कहते हैं यह चीज भगवान ने दिया, वह अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने मुर्गी पालन कर लिया, मुर्गी अंडा दे रही है, दूध के लिए आपने भैंस पालन कर लिया है, कृषि कर रहे हैं, तो कहते हैं इस साल भगवान ने फसल नहीं दिया, तो जो इसको भगवान कह देते हैं वह सब किसके अंतर्गत आता है? वे सब कृषि और खनन के अंतर्गत आता है, वह आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। मानिस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। विनिर्माण सेकेंडरी में आता है और सेवा थर्ड में आता है, याद रखिएगा, और ये प्राथमिक में आता है। तो ये तीनों चीजें आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब लोग को समझ में आ गया जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे? जी हाँ, यह क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए लाइव चल रही है। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जान मथाई, सी डी देशमुख, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यह एवरग्रीन प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट साथी कमेंट करें। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था जॉन मथाई, गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? यह बार बार पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहां पे किया गया है? अगर इसकी बात की जाए तो यह आपका 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया है द हेग में। द हेग कहां पर है? यह है आपके नीदरलैंड में। यह कहां है? यह आपके नीदरलैंड में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र यूएन की खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर है? रोम, वाशिंगटन DC, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ये आपके विविध का सवाल है, यहां से विविध में आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हाँ, यहां पर यह रोम, इसका जवाब सही है, रोम में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। रोम कहां पर है? यह इटली में है। कहां पर है? इटली में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 16 अप्रैल को हुआ था। किस साल हुआ था? 1945 में हुआ था। जी हाँ, रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं एक और अभी प्रश्न की तरफ। आगे आपके सामने सवाल है,
भारतीय नाटक पांचालियन सदाथम के रचयिता कौन है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जी हां मेरे साथियों, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। चलिए, अगर मैं यहां पे बात करें तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा। तमिल नाटक के जो रचयिता है ये सुब्रह्म भारती है। कौन है? सुब्रह्म भारती, माने शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे हम बात करते हैं तमिल का प्रथम नाटक मनोन्मी कयम क्या है, यह भी विविध का सवाल है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर होगा सुंदर पिल्लई पंप संबंध मुदलियर कणन दासनम जयकांतन, तो यह होगा सुंदरम पिल्लई। इसलिए आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काफी यूनिक सवाल है, यहां से बार बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला है शक्ति स्थल, ये सब ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। अगर आपने नोट्स पूरा पढ़ा होगा तो यह आप पूरी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, शक्ति स्थल नाम दिया संजय गांधी की समाधि को, इंदिरा गांधी की समाधि को, फिरोज गांधी की समाधि को, राजीव गांधी की समाधि को। जी हां, यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इंदिरा गांधी शक्ति की समाधि को शक्ति स्थल का नाम दिया गया। महात्मा गांधी अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी का जो सवाल बार बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा आपके लिए परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है राजघाट। हम आगे बात करते हैं पंजाब का शेर किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से परीक्षा में बार बार सवाल आता है। सभी लोग फटाफट कॉमेंट करें, भगत सिंह, जगत गुरु, लाला लाजपत राय, सुखदेव। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका लाला लाजपत राय। जलियांवाले बाग हत्याकांड में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगला सवाल आपके सामने है, मैन ऑफ डेमटीसी किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हिटलर को, मुसोलिनी को, नेपोलियन को, लेनिन को किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेमटीसी, जी हां यह नेपोलियन को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि भारत का नेपोलियन कहां किसे कहा जाता है। ओलंपिक खेल का सामान्यता कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजन किया जाता है? ये विविध के सवाल है जो कि आपके परीक्षा में जीएसजी के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का अगर शुभारंभ देखा जाए यूनान के एथेंस शहर से 1896 में हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां पर है? यह भी आपकी परीक्षा में सवाल आता है। यह खेल और विविध तत्व का सवाल है। बताइए सभी लोग फटाफट, कोलकाता, नई दिल्ली, झांसी, पटियाला। तो नेताजी सुभाष चंद्र अगर बात किया जाए कि खेल संस्थान कहां पर है तो यह पटियाला में है। कहां पर है? पटियाला में है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो जवाब सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित है? डूरंड कप, थॉमस कप, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, बताइए मेरे प्यारे साथियों। देखिए, थॉमस कप हो, चड्ढा कप हो, नारंग कप हो, यह सब बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर थॉमस कप होगा।
संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है कमेंट करके बताइएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, डूरन कप का संबंध किससे है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यह वीडियो फेसबुक, यह वीडियो यूट्यूब, यह वीडियो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। अगर अभी तक आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं प्राप्त किया है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालीगांव उत्तर पूर्वी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी जो सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है मालीगांव। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके विविध का सवाल है। यह सब देख रहे हैं विविध है, कुछ लोग करंट के साथ विविध को पढ़ते हैं, खाली करंट पढ़ रहे हैं, तो यह विविध के सवाल है जो मैंने आपको यहां पर एक एक करके बता दिया। हम और आगे चलते हैं, अगला आपके सामने सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जितने भी साथी देख रहे हैं वो कमेंट करें, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। जब किसी भी बिल, जब किसी भी विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भारत का जो राष्ट्रपति है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। जी हाँ, कौन बुलाता है सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। यह राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, यह उसकी अध्यक्षता करने का काम करता है, लेकिन बुलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। यह बहुत यूनिक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हो सकता इस बार भी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, भारत में जो राजकोषीय वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक के लिए होती है? कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताओ। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। बुलाता राष्ट्रपति या अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है? चलिए, यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम बढ़ते हैं और आगे, जो प्रसिद्ध बांग्ला गीत है एकला चलो रे, ये किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चट्टोपाध्याय, सत्यजीत राय। देखिए, आप सभी लोग, एक नया यूट्यूब चैनल बना है जिसका लिंक आप सभी को मिल चुका होगा। आप सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार आप सभी साथी जो ये लिंक है इस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब का नया चैनल बना है, आप सबकी परीक्षा के लिए बनाया गया है, तैयार कराया गया है ताकि आप अपने परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकें। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर यह लिंक आपके सामने जा रहा है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है सभी साथी, हम यहाँ पे बात करते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं कि प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे यह रविन्द्रनाथ ठाकुर, या यूं कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और इन्हें भारत का सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और दूसरी बात, इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जिसे हम जनगण मन के नाम से जानते हैं, इनकी प्रसिद्ध कृति और प्रसिद्ध रचना है। और आप लोग ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये सभी जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए निशुल्क लाइव चलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से सवाल आपका आता है, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर से भी आता है, बंकिम चटर्जी से भी सवाल आता है, तो ऐसा नहीं यहां सवाल ना पूछा जाए। आज की सीरीज यहां पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, आपके साथ मिलकर। कल से कुछ स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है, कल एक दिन के बाद, तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको सभी क्लासेज लिंक और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। यह क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो सभी साथी आज ही टेलीग्राम पर जुड़ेंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, ये साथी अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। यह जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से लाइव क्लास चल रही है। थैंक यू।